वेलकम बैक व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, इससे पहले हमने जो है वो फ्लैट बटन को देख लिया, अब हम एक रेस बटन को देखना जा रहे हैं। रेस बटन एक बटन होता है फ्लटर के अंदर जो एज़ कम्पेयर टू फ्लैट बटन के ज़्यादा कस्टमाइजेबल होता है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक हमने फ्लैश को पढ़ा, हमने स्प्लैश को पढ़ा, हमने हाईलाइट कलर को पढ़ा, हमने पैडिंग को पढ़ा। जो प्रॉपर्टीज़ हम इससे पहले देख चुके हैं वो प्रॉपर्टीज़ हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ हम एडिशनल प्रॉपर्टी जैसे एवोल्यूशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, हाईलाइट एवोल्यूशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, हम शेप की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अपने कोडिंग की तरफ अब स्टार्ट कर देते हैं। रेस बटन बनाए गए हम किस तरह से, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक चाइल्ड बना देना है। चाइल्ड के अंदर हमने क्या कर देना है, एक रेस बटन बना देना है। अब रेस बटन जाहिर सी बात है हमें पता है कि यार एक फंक्शन जो है वो लेगा जब उसके ऊपर क्लिक हो जाए, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है नहीं, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, हम आगे चलेंगे। अच्छा, अब हम इसके अंदर क्या पास कर सकते हैं, इसके अंदर हम कोई भी जो है वो टेक्स्ट वगैरह पास कर सकते हैं। तो चाइल्ड करके मैं इसके ऊपर क्या बना दूँगा, एक टेक्स्ट बना दूँगा और उसके अंदर मैं इसको बता दूँगा कि यार रेज्ड बटन, ये जो बटन है आपके पास क्या है, वो रेज्ड बटन है। और दो, अच्छा अब हम आ जाते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास काम करेगा। तो ये आपके पास एक सिंपल बेसिक बटन बन के आ चुका है, सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं उन उसी तरह से इस्तेमाल होगा। लेट्स से कि मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं कलर्स पे आके कलर्स डॉट इसको कोई ना कोई कलर दे सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने इसको रेड कलर दे दिया, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो मोड का जो कलर है वो रेड हो गया। अच्छा, अब इस रेड के अंदर इसकी डार्कनेस कितनी होनी चाहिए, ब्राइटनेस या डार्कनेस कितनी होनी चाहिए या कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अगर मैंने इसको 100 वैल्यू दे दी तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल एक ऐसा लगेगा जैसे कि ट्रांसपेरेंट टाइप का आपको लग जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट ही आपके पास 500 होती है, आप चाहो तो उस वैल्यू को बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने कह दिया 700, तो ये मोर डार्कर होगा एज़ कम्पेयर टू 500 वाले से। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। लेट्स से कि मैंने 500 दे दिया, हाँ तो 500, तो अब मैं अगर इसको दे दूँ 600, उसकी आई थिंक कोई ना कोई एक रेंज होगी, ये अपने उस रेंज के अंदर ही उस चीज़ को ये जो है वो देखेगा। हाँ, तो आपने देखा कुछ ज़्यादा ही जो है वो डार्क हो गया, तो हम इसको जो है वो 600 पे ही रख देते हैं। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं जनाब, फ़ॉन्ट का हम जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर हो वाइट हो, तो हम इसका जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक तो तरीका हमारे पास था फॉन्ट के थ्रू हम इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर का देने का, फिर हमारे पास एक तरीका होता है कि फॉन्ट कलर, अच्छा फॉन्ट कलर हमारे पास यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो जो जो प्रॉपर्टीज़ हमने इससे पहले इस्तेमाल की हुई हैं हम उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कलर होता है, कलर के बाद हमारे पास हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक कलर होता है स्प्लैश कलर, हम इसको स्प्लैश कलर की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि स्प्लैश कलर के अंदर जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो ये हमें जो है वो ये हमारे पास अभी रेड है तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाए, ये हमारे पास ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्लू की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं। अच्छा, शेप हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इसको स्प्लैश कलर इस्तेमाल करेंगे। तो स्प्लैश कलर इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे स्प्लैश कलर के ऊपर। ठीक है, स्प्लैश कलर के ऊपर आने के बाद हम इसमें जो है वो कलर्स करके यहाँ से हम इसको कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये जब हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो है वो ब्लूश कलर में जा रहा है। सारी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी इस्तेमाल करके देख चुके हैं अपने उस क्या कहते हैं कि अपने फ्लैट बटन के अंदर। कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने सिर्फ उनको देखना है। अच्छा, एक और चीज़ में वही एक काम कर लेते हैं, हम इसके टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा कंट्रास्ट आ जाए। तो मैं टेक्स्ट कलर को भी चेंज करके कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, लेट्स से कि मैंने इसको कह दिया वाइट। ठीक है, तो ये भी वही बेसिक बेसिक काम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास वहाँ पे नहीं होती थी एक फ्लैट बटन के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी हुए थे एवोल्यूशन की प्रॉपर्टी। तो एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये इसके नीचे एक शेडो बना देगा, एक बॉक्सेस बना देगा, जिसकी मदद से आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये जो है वो एक सॉर्ट लाइक अ 3D बटन है। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे नीचे आपको जो है वो
एक तरह का शेडो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा दूँ, लेट्स से कि मैं इसकी वैल्यू को 30 कर दूँ, तो आपको ये बाई डिफ़ॉल्ट थोड़ा बड़ा नज़र आएगा। अच्छा, एक और चीज़ में होती है हाईलाइट एवोल्यूशन। उसका मतलब ये होता है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी। जैसे कि अभी इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे 10 रख दिया है, और क्लिक करने के बाद ये कितना हो जाएगा, अब देख, अभी हमारे पास बिल्कुल कम है। जब इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप नीचे देख रहे हो कि क्लिक करने की वजह से इसके नीचे एक शेडो बन के आ रहा है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, हाईलाइट एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन होता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल होती है, जिसको हम कहते हैं शेप की प्रॉपर्टी। अब शेप की प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास क्या करती है कि एक बॉर्डर बना देती है। एक सेकंड, मैं ज़रा इसको यहाँ पे देख लूँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इंसान जो है वो भूल जाता है। कम ऑन यार, कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो कंट्रोल प्लस स्पेस कर सकते हैं, और यहाँ पे आके हम इसकी देख सकते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। बॉर्डर 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 बॉर्डर, हाँ, हम आ जाते हैं बॉर्डर ऑल पे, ठीक है। बॉर्डर ऑल पे आने के बाद हम ये कर सकते हैं कि हम इसका एक बॉर्डर बना सकते हैं, जिसके अंदर हम दो चीज़ें दे देते हैं। एक तो हम विड्थ दे देते हैं, मैं इसको स्पेस करूँ, मुझे बता देगा ये मैं क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, स्पेस करके मैं कह देता हूँ बॉर्डर ऑल। अब मैं देख लेता हूँ इसके अंदर हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं इसकी विड दे सकता हूँ, उसका मैं कलर दे सकता हूँ। तो विड मैं इसको दे रहा हूँ कि लेट्स से कि आपने जो है वो विद, आई थिंक मेरे ख्याल में इसको हम फ्लोट में इसमें दे सकते हैं, डबल में ही दे सकते हैं। हाँ, हम इसको डबल में दे सकते हैं। तो मैंने इसकी विद दे दी 10, और इसके बाद इसका कलर मैं दे देता हूँ, लेट्स से कि मैं इसको कलर दे देता हूँ कलर्स डॉट करके। इसको मैं जो है वो कौन सा कलर हमारे पास, अच्छा तो आप देख रहे हो कि इसका कलर काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसकी विड्थ 2 रख दी, ठीक है। और इसका कलर मैं इसको दे देता हूँ ब्लू कर देते हैं। इसके कलर को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, कलर्स डॉट, कम ऑन यार, हम इसको यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसका एक जो है वो बॉर्डर बन के आ चुका है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, एक रेस बटन था, जो कि इस एक जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कस्टमाइजेबल था। तो नेक्स्ट में अंदर हम जो है वो उसको देखेंगे, मटेरियल बटन को और आइकन बटन को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लेट सपोज करें कि हमारे पास एक ऐसे बटन्स भी होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं, चले हम उनको जो है वो आगे मुलायजा फरमाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।